मैं हिंदू धर्म से नहीं हूँ, लेकिन मैं सनातन धर्म से बिलोंग करता हूँ। सर आपसे एक क्वेश्चन पूछने से पहले कहना चाहूँगा कि मेरे क्वेश्चंस एक नहीं है, मेरे क्वेश्चन तीन चार है। इफ़ यू डोंट माइंड सो कैन वी कैरी ऑन? भाई साहब का सवाल है, तीन चार क्वेश्चन है, क्या पूछ सकता हूँ भाई साहब? एक पूछे, अभी खाली हमारे पास 15 मिनट है। आमतौर पे मैं 3 या 4 मिनट लेता हूँ, 3 या 4 सवाल का आपसे ही ख़त्म हो जाएगा पूरा। सारे लोग लाइन में खड़े हैं, किसको हार्ट अटैक हो सकता है, किसको ब्रेन हैमरेज हो सकता है। आपका सबसे अहम सवाल पूछिए, सबसे अहम सवाल। ठीक है सर, जैसे कि आप कहते हैं कि जो हमारे भगवान होगा उसमें सबसे टॉप पे अल्लाह को आपने दर्जा दिया हुआ है, तो मैं सर कहना चाहूँगा कि आपके इसमें माता पिता का दर्जा भी मैंने पढ़ा है, तो माता पिता का दर्जा भी आपने कहा है कि एक अच्छा दर्जा है। जैसे अल्लाह ने कहा है कि माँ एक ऐसी चीज़ है जो मेरे बाद जिनका जिक्र होना चाहिए तो माँ का जिक्र होना चाहिए। तो मेरा सवाल यही है सर कि जब माँ एक बच्चे को जन्म देती है, तो बच्चे का जो पहला लफ्ज़ होता है वो माँ क्यों होता है, वो अल्लाह क्यों नहीं होता? भाई साहब का अच्छा सवाल है। वो कह रहे थे मैं हिंदू नहीं हूँ, मैं सनातन धर्म से हूँ। अक्सर लोग कहते हैं ये सनातन धर्म एक शाखा है हिंदुइज्म की। आप कहते हैं आम हिंदू ने, मैं मानता हूँ क्योंकि सनातन धर्म के बारे में पढ़ चुका हूँ। सनातन धर्म वाले मानते खुदाई के, मानते बुत परस्ती गलत है, मूर्ति पूजा गलत है। आप भी मानते मूर्ति पूजा गलत है? सर मैंने पढ़ा है, मैं जैसे मेरे नहीं, आप मेरे कहते हैं आप सनातन धर्म से, हाँ सर, आप मानते मूर्ति पूजा गलत हाँ है? सर बिल्कुल मैं तो सही। कहता ही हूँ। तो हर हिंदू इस पे अमल करना चाहिए कि खुदा एक है और मूर्ति पूजा गलत है। आपका सवाल था कि मैंने कहा सबसे ऊंचे दर्जे पे है अल्लाह, बिल्कुल सही। उसके बाद आते हैं वालदेन। लेकिन बच्चा जब पैदा होता है वो सबसे पहला लफ्ज कहता है माँ, क्यों? अल्लाह क्यों ने? क्यों मैं बोलूं? क्योंकि अल्लाह को कहने की जरूरत नहीं। मैं कह चुका हूं हमारे आखिरी पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हर इंसान जब पैदा होता है, चाहे हिंदू खानदान में, ईसाई खानदान में, यहूदी खानदान में, वो पैदा होता है मुस्लिम जैसा। मतलब अपनी जिंदगी अल्लाह के अहकाम के हिसाब से मुताबिक बसर करता है। वो अल्लाह जानता है, अल्लाह को लफ्ज की जरूरत नहीं, आप और मुझे जरूरत है, अल्लाह जानता है। तो अल्लाह को बताने की जरूरत ही नहीं। जब पैदा होता है दिल धड़कता है तो अल्लाह जानता है ये मुस्लिम है। हाउ कैन यू से दैट भाई, मैं ऐसे कैसे आप कह सकते हो कि दिल धड़कता है? तो ऐसा होता, दिल तो हम आप सबका मेरा जवाब धड़कता है। सुनेंगे क्या? बीच में मुझे इंटरजेक्ट करेंगे? आपने सवाल पूछा, मैंने इंटरजेक्ट किया? आपने सवाल किया, मैंने इंटरजेक्ट किया? तो नहीं सर, मेरे जवाब को तो खत्म होने दो। जवाब ही नहीं खत्म हो, आप कैसा जानते? जवाब खत्म हुआ कि नहीं? नहीं सर, नहीं हुआ। तो सर सर कह रहे, जरा बात तो मानो, खत्म तो होने दो। आप अगर बीच में इंटरप्ट करेंगे तो एक सवाल का जवाब भी नहीं दे सकूंगा, दूसरे पे जम मारने पड़ेंगे मुझे। नहीं ठीक सर, है, आप बोलिए। हाँ तो आप जरा सुनेंगे नहीं सर, मेरे जवाब को तो बोल सकूंगा मैं ना। आपका माइक खुला होने का मतलब ना आप इंटरजेक्ट करें। तो बच्चा जब पैदा होता है, मुझे कैसा पता है? क्योंकि किताब में लिखा है। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं कि हर बच्चा जब पैदा होता है, खुदा कहता है हर बच्चा जब पैदा होता है मुस्लिम पैदा होता है, इसलिए मुझे पता चला है। आपने कुरान और हदीस नहीं पढ़ी? मैंने पढ़ा हूं। और दिल धड़कता, मैं डॉक्टर हूं, आपने डॉक्टरी की नहीं की? मैं डॉक्टरी क्या, मैं जानता हूं बच्चा जब पैदा होता है सांस लेता है, सांस लेने से अल्लाह को पता चलता है ये मुस्लिम है। लेकिन इंसान को नहीं पता चलता है। तो माँ कहता है तो हमारे इंसान को पता चलता है। माँ तो सबसे पहले अल्लाह, फिर माँ। तो अल्लाह को पता लगने के लिए बोलने की जरूरत नहीं, उसका एक्शन ही कहता है कि वो मुस्लिम है। जब बच्चा पैदा होता है वो सांस लेता है, दिल धड़कता है, वो ही कहता है कि वो मुस्लिम है, बोलने की जरूरत नहीं। जानवर से बात करने के लिए हम बोलेंगे, जानवर नहीं समझेंगे, उनकी जबान अलग होती है, हमारी जबान अलग है। तो बच्चा माँ जब कहता है, मम्मी कहता है, अक्सर माँ से आता है, अक्सर माँ से आता है। तो ये लफ्ज आसान लफ्ज है बोलने के लिए सारी जबानों में, चाहे इंग्लिश है, चाहे हिंदी हो, चाहे मराठी हो, माँ बोलना आसान है। इसीलिए ये लफ्ज माँ से आता है, माँ, मम्मी, मदर, अक्सर। तो ये आसान लफ्ज है, इसीलिए वो माँ जब लफ्ज सुनती है खुश होती है। अल्लाह उसके पहले ही जानता है। तो अल्लाह सबसे अव्वल है, को दिल धड़कता है, सांस लेती है, अल्लाह को मालूम पड़ जाता है। आपको नहीं पता चलता है, मुझे नहीं पता चलता। मुझे तो पता लग गया, आपको अब तक पता नहीं चला क्योंकि आपने रिसर्च नहीं किए। आप मुझे पूछेंगे ये बीमारी की दवा क्या है, मैं बीमार, बुखार है मुझे, तो मैं क्रोसिन लो, मेटासिन लो, पैरासिटामोल लो। आपको कैसा पता चला? क्योंकि मैंने मेडिसिन किया, आपने किए?
नहीं किया, इसलिए पता है मुझे, जो मैं किताबें पढ़ा हूँ, मजहबी किताबें पढ़ा, इसलिए मुझे पता। आपने पढ़ी है? तो आप भी पढ़िए। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, मैंने आपके सवाल का जवाब दिया, मैं अभी सवाल पूछना चाहता हूँ आपसे। आप सनातन धर्म से, आप मानते खुदाई के? हाँ। आप मानते कि मूर्ति पूजा गलत है? हाँ। आप मानते कि आखिरी पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है? सर लिखा गया है तो मैं मानता हूँ। मैंने इतने हवाले दिया, वो बहन ने सवाल किया कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र क्या है। मेरी पूरी तकरीर एक घंटे की, मैंने एक घंटा तो लिया नहीं, 10 मिनट के अंदर इतने हवाले दिया, सैकड़ों में से कम अज़ कम 25-30 हवाले तो दिया होगा, 25-30 कम अज़ कम, सैकड़ों में से। मैं पूछना चाहता हूँ, आप मानते हैं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी पैगंबर है? सर आपको जवाब देने से पहले कहना चाहूँगा कि ये मेरे किताब में लिखा गया है, हमारे धर्म में लिखा गया, तो मैं मानता हूँ उसे। बिल्कुल सर, तो वही तो कह रहा हूँ मैं, मैंने पहले कह चुका हूँ, आप हर धार्मिक किताब के तालविला कलीमतिन सवा इम बैना बैनकुम, कुरान में लिखा है सूरह इमरान में सूरह नंबर 3 आयत नंबर 64 में, आओ उस बात की तरफ जो आप और हम में यकसा है, जो आपकी किताब और मेरी किताब में यकसा, उसके ऊपर तो अमल करो। जो इख्तिलाफी बातें कल डिस्कस करेंगे, आपकी हिंदू मजहब की किताब में, आपके वेद में लिखा है, कुरान में लिखा है खुदा एक है, आपकी किताब में लिखा है बुत परस्ती हराम है, मेरी किताब में लिखा है, आपकी किताब में लिखा है आखिरी पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरी किताब में लिखा है, आपकी किताब में लिखा है शराब हराम है, मेरी किताब में लिखा है, आपकी किताब में लिखा है सूअर का गोश्त खाना हराम है, मेरी किताब में लिखा है। हम इस पर अमल क्यों नहीं करते? अगर आप मानते खुदाई के बुत परस्ती गलत है, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी पैगंबर है, आपकी किताब में लिखा है, के पैगाम पे अमल करो आप, करते? कल की अवतार, आखिरी अवतार, वालिद का नाम था विष्णु यास अब्दुल्ला, माता का नाम था सुमति आमिना, पैदा हुए महफूज जगह पे, अमन की जगह पे मक्का, वही मिली गारे हीरा में, गए शिमाल की तरफ नॉर्थवर्ड, वापस आ गए मक्का से मदीना, गए फिर मक्का आ गए, उनके चार दोस्त, इतने सब गहराई में दिया है, लिखा है कि आप मानो के वो आखिरी पैगंबर है, उसके पैगाम पे अमल करो, आप अमल करना चाहेंगे? सर फिलहाल मैं हिंदू धर्म से तो मैं तो नहीं कर सकता। वही कहता हूँ ना, आप अपनी किताब के पैगाम पे अमल नहीं कर सकते तो और रिसर्च कीजिए। मैं चाहूँगा कि आप कुरान मजीद का तर्जुमा पढ़िए, आपकी किताब में लिखा है कि आखिरी अवतार, कल के अवतार मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में, उसके पैगाम पे अमल करना चाहिए। कम अज़ कम आप कुरान मजीद का तर्जुमा पढ़िए, वो जबान में जो जबान में आपको महारत है उसमें पढ़िए, इंशाल्लाह ये आपके लिए हिदायत बन सकेंगी और आप नजात पाएंगे। होप द आंसर इज द क्वेश्चन। सर क्या मैं आपके पास आके ले सकता हूँ? आ जाइए भाई।